नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से वीके मृत्युंजय और वीके प्रकाश ने की मुलाकात। 62वें जन्म दिवस की बधाई के साथ दादियों का दिया आशीर्वाद। हैदराबाद के शांति सरोवर में कपल्स के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट। विशेषज्ञों ने तनाव मुक्त रहने के दिए टिप्स। दिव्य गुणों की धारणा पर वीके कुलदीप ने दिया जोर। मेरठ के सरधना में बनकर तैयार हुआ सुख शांति भवन। जिला पंचायत अध्यक्ष और बीके राजू ने किया उद्घाटन। विधायक संगीत सिंह सोम भी हुए शामिल। और ब्रह्म कुमारीज यूएसए द्वारा आयोजित ऑनलाइन सीरीज द लिविंग लाइट के अंतर्गत बीके मोहिनी से बीके वेडी ने की स्पिरिचुअल टॉक। बीके मोहिनी ने सुनाए अपने सुंदर अनुभव। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के 62वें जन्म दिवस के मौके पर उन्हें बधाई देने ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव और वीके प्रकाश उनके आवास पहुंचे। उनसे मुलाकात में सबसे पहले उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए दादियों का याद प्यार दिया। इसके बाद मुख्यालय शांतिवन में जनवरी मास में होने वाले प्रोग्राम में आने का निमंत्रण दिया, जिसे नड्डा जी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए आने का आश्वासन दिया। सदियों से सुना है कि हमारे नकारात्मक विचारों का हमारे शरीर और रिश्तों पर गहरा असर पड़ता है, और आज इसी बात का प्रमाण आधुनिक युग में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग भी दे रहे हैं। दरअसल हैदराबाद के शांति सरोवर में कपल्स के लिए ब्रह्म कुमारीज और किम्स हॉस्पिटल के सहयोग से 1 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी रेड्डी, डॉक्टर सुब्दा नील, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने तन और मन की सेहत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। Why would I have done Mrs. Mom? I would have done Mrs. Mom over online also. What is there? Why we are literally spending lakhs of rupees on this event is to make a difference physically in people's life and to take a message forward. So that's why I made Mrs. Mom from 2 days event to 5 days event and now 7 days event, because it is required. Depending on what the situation we are currently, it is required that it will take some time for you to heal, it will take some time for you to settle. So different angles of life you need to explore and learn. Every time humne anger, kyunki usse kaam ho gaya, to wo file sab hamare upar hai, lekin peace ka file bhi hamare paas hi hai. To first time hum jab bhi kehte hai, to om shanti mana, main I am a peaceful soul. And second time, I am a son of who is the ocean of peace. So that's why if he's ocean of peace, my father is ocean of peace, so obviously I have abandoned. So then when I get connected, battery is charged, so peace se charging hoti hai. Main kaun? Kidney, liver, ghutna, aankh, naak, what? Main kaun? मेरा थॉट्स, माय इमोशंस, और इसको हील करना है, इसको चैनलाइज करना है, इसको पॉजिटिव अगर करना है तो मेडिटेशन। पहले के लोग भजन करते थे, कुछ अच्छे भगवान के फोटोज रखते थे। आजकल रूम्स में देखिए हीरो हीरोइन के फोटोज रहते हैं, सेलिब्रिटीज कई रखते हैं, देवी देवता किधर गए मालूम नहीं, वो छोटी सी कोठड़ी में बैठे हैं। तो इसलिए अच्छे अच्छे फोटो लगा के रखिए श्री कृष्ण के, अच्छे देवी देवताओं के, ताकि वो संस्कार हमारे बच्चे में आए। यह रिट्रीट, इसमें भाग लेने वाले 30 कपल्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन की गई थी, जिसमें क्रिएटिव एक्टिविटीज, म्यूजिक एक्सरसाइज, मेडिटेशन के माध्यम से उन्होंने तन और मन का ख्याल रखने के लिए कई अहम बातें सीखी। After listening to so many speakers and everything that they've shared, I went back home and I only had one feeling: I'm not going to stress myself out. Everyone will start telling you be positive, be stress-free, be happy, but no one will tell you how to achieve that, how to be happy. So it is our thing to be, and here, thanks to Girish Bhai and Shubhda Ma'am for inspiring us with the. Like the importance of being positive and how to achieve that.
मेरठ के सरधना में नव निर्मित सुख शांति भवन का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, माउंट आबू से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज बीके सुधीर, शांतिवन ट्रांसपोर्ट के प्रभारी बीके मोहन, मेरठ प्रभु मिलन भवन की प्रभारी बीके सुनीता, सुख शांति भवन की प्रभारी बीके सविता समेत कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन के पश्चात आयोजित समारोह में विधायक संगीत सिंह सोम भी शामिल हुए और सेवा केंद्र के उद्घाटन की बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से ही हम आने वाली पीढ़ी को धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति विरासत में दे सकते हैं। इन्हीं सब कार्यक्रमों के जरिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कृति और धार्मिक विरासत उन्हें हैंड ओवर करके जाएंगे। ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये समाज सिर्फ हमारी सड़कें बनाने से या विकास करने से नहीं, उनके मानसिक विकास से भी, उनके अंदर के विकास से, ये दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो इस देश का उद्धार होगा, इस समाज का उद्धार होगा। आगे भी के राजू ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब दुनिया थम गई थी उस दौरान भी ब्रह्म कुमारी परिवार से हजारों लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े और दिन प्रतिदिन इस समाज का विस्तार होता ही जाएगा। इस दौरान जो कोरोना काल बीता है, सब प्रकार की सेवाएं रुक गई, लोगों का आना जाना बंद हुआ, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहने नए उत्पन्न हुए, पैदा हो गए। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र के 24 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नुपुर प्रकाश, रोटरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संदीपा राय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। बहुत ही पीसफुल एहसास और शायद मटेरियलिस्टिक चीजें, बच्चों के रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, यही चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो आज मैं यहाँ पे आई, मुझे ये लगा इट कनेक्ट विद द यूनिवर्स और हम कहाँ से शुरू हुए हैं, वो शायद मुझे आंख बंद करते समय वो एक एहसास आया। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बी के उर्मिल और सीनियर राजयोगा टीचर बी के सुदेश ने अतिथियों का धन्यवाद करते हुए सौगात भेंट की। महाराष्ट्र के वर्धा में ब्रह्म कुमारी संस्था के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक और तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ राजयोगी बी के सूरज के पहुंचने पर सुखी जीवन का आधार श्रेष्ठ विचार पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बी के सूरज ने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने विचारों को स्वच्छ और श्रेष्ठ बनाने का मंत्र दिया। बी के सूरज के साथ माउंट आबू से आई बी के गीता ने लोगों को राजयोग द्वारा नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदलने का तरीका बताया। वर्धा वासियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे और वर्धा सेवा केंद्र प्रभारी बी के माधुरी समेत शहर की कई चर्चित हस्तियां मौजूद थी। कार्यक्रम के पश्चात देवली उप सेवा केंद्र के नए भवन दिव्य दर्पण भवन का उद्घाटन बी के सूरज ने सांसद रामदास तड़स, समाज सेवी मोहन अग्रवाल, नगराध्यक्ष सुचिता मड़ावी, नगर परिषद उपाध्यक्ष नरेंद्र मदनकर, नागपुर की प्रभारी बी के रजनी समेत कई वरिष्ठ बी के बहनों की उपस्थिति में किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट समेत 40 होमगार्डो को ब्रह्म कुमारीज ने सिखाई तनाव मुक्ति की युक्ति। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय में था आयोजन। छतरपुर सेवा केंद्र की बी के बहनों ने दिया प्रशिक्षण। बीके रीना ने कहा कि खुशी हमारी आंतरिक चेतना में समाई है, इसीलिए उसे प्राप्त करने के लिए कुछ समय निकालकर स्वयं से मुलाकात करनी चाहिए। अंत में बीके बहनों ने सभी को मासिक पत्रिका और ईश्वरी प्रसाद का किया वितरण। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ब्रह्म कुमारीज और जैन समाज के सहयोग से लगा जोड़ों का दर्द निवारण एवं राजयोग शिविर। डॉक्टर श्याम और डॉक्टर राजू ने जोड़ों में दर्द की बताई वजह। सही पोजीशन में सोने का भी दिया सुझाव। ब्रह्म कुमारीज द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा की जैन श्री संघ के अध्यक्ष जितेंद्र घोड़ावन ने करी सराहना। झाबुआ सेवा केंद्र के प्रभारी बी के जयंती ने कहा कि तन के दर्द का तार मन से जुड़ा होता है, इसीलिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए।
कर्नाटक के दांदेली में नवनिर्मित शिव ज्योति भवन का संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय और बीके बसवराज ने किया उद्घाटन। हुबली की बीके निर्मला, दांदेली की बीके गीता और बीके मल्लिका भी रही मौके पर मौजूद। रैली निकालकर आसपास के लोगों को सेवा केंद्र के खुलने की दी सूचना। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रह्मा कुमारीज यूएसए द्वारा आयोजित ऑनलाइन सीरीज द लिविंग लाइट के अंतर्गत सीनियर सिस्टर बीके वेडी ने संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका एवं यूएसए की निदेशिका बीके मोहिनी से स्पिरिचुअल टॉक की। And you've had this relationship. बीके वेडी ने बीके मोहिनी से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के शुरुआती दिनों के अनुभव सुनाने का आग्रह किया। तो आइए सुनते हैं बीके मोहिनी के कुछ सुंदर अनुभव। Can you tell me what are the secrets in there about connectivity and relationship? I'm not ready for something. I express it to Baba, and if I feel that strength comes, then I immediately do it. But yeah, I'm very, very clear. Mm-hmm. It's only when Baba gives me indication, direction, then I will do it. You know, sometimes they are major ones, but you know, I sit with Baba and deeply feel what would Baba want me to do. Because if I do what Baba wants, power will be there and it will be okay. But if I just deciding, then I don't know how many obstacles can come. So I always believe that I have to do what Baba wants me to do. And then the power will come and I will be able to do. हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज GWS को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।